नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के जावरा शहर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी बड़ा खेत है और यहाँ पर हमने लिए हैं 4 55 कैटेगरी के ट्रैक्टर। हमारे साथ 4 ट्रैक्टर है जिसमें 5502 कुबोटा का है, साथ ही महिंद्रा का 605 DI और जॉन डियर का 53 10, न्यू हॉलैंड का 3630। ये 55 श्रेणी के जो ट्रैक्टर है इनके साथ हम प्लो टेस्ट करेंगे, रोटावेटर टेस्ट करेंगे, कल्टीवेटर पर टेस्ट करेंगे, साथ में हम देखेंगे कि कितने समय में कितना एरिया ये कवर करते हैं, इसके अलावा कितना ये डीजल लेता है, किस तरीके का जो तकनीक इन ट्रैक्टर के अंदर है वो किस तरीके से किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, सारे ही टेस्ट इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड टेस्ट के हिसाब से ही RPM और गियर का सिलेक्शन लेंगे। किसान भाइयों, हम चारों ट्रैक्टर को 7 फीट के रोटावेटर पर टेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ है ईश्वर, जो चारों ट्रैक्टर को ये ऑपरेट करेंगे। हमने 2 लीटर जो है डीजल लिया है और मैचिंग स्पीड वाले जो गियर है वो सभी में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमने रोटावेटर को सभी ट्रैक्टरों के साथ 10 मिनट चलाया, उनके नतीजे इस प्रकार है। यहाँ महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा 150 से 200 RPM ड्रॉप किए, कुबोटा ने काफ़ी अच्छा एरिया कवर किया 0.14 और JD ने 0.133 और न्यू हॉलैंड 0.133 और महिंद्रा जो है 0.132 यह एरिया कवर किया। तेल खपत की यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो तेल की खपत की 1410 ml इस टेस्ट में न्यू हॉलैंड ने लिया, महिंद्रा ने 1240 लिया, JD ने 1350 ml तेल की खपत की, कुबोटा ने यहाँ तेल की खपत काफ़ी कम की है, 1180 ml में इस कार्य को किया है। प्रति घंटे में एरिया कवरेज को आप देखेंगे तो कुबोटा जो है 0.82 है, जॉन डियर जो है 0.80, न्यू हॉलैंड भी सेम है 0.80, महिंद्रा जो है 0.79 पर आया। उसके बाद यदि हम इस कार्य को 1 घंटे तक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो तेल की खपत लेगा वो न्यू हॉलैंड 8 लीटर 46 ml में इस कार्य को करेगा, वहीं महिंद्रा 7.44 में और JD जो है 8.10 लीटर लेगा, लेकिन यहाँ पर कुबोटा मात्र 7.8 लीटर में इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। भाइयों, यहां आप खेत में देख सकते हैं कि कुबोटा MU 5502 55 का दम अन्य 55 श्रेणी के ट्रैक्टरों के सामने काफ़ी बेहतर तरीके से ये कार्य कर रहा है। काफ़ी शानदार इसका कार्य हमें देखने को यहां पर मिल रहा है।
किसान भाइयों, हमने प्लो को सभी ट्रैक्टर पर 10 मिनट के लिए टेस्ट किया तो कुबोटा ने 100 से 150, जॉन डियर ने भी सेम 100 से 150, न्यू हॉलैंड ने 100 से 200 और महिंद्रा ने भी 100 से 200 आरपीएम ड्रॉप किए। एरिया कवरेज आप देख सकते हैं, कुबोटा 0.073, जॉन डियर 0.07, न्यू हॉलैंड भी 0.07, महिंद्रा 0.068। और इस कार्य को करने में सबसे ज़्यादा जो तेल लिया वो न्यू हॉलैंड ने 890 ml लिया, महिंद्रा ने 860 ml लिया और जेडी ने 820 ml लिया। और यहाँ पर कुबोटा ने तेल की काफ़ी बचत की, 690 ml में इस कार्य को किया। प्रति घंटे में एरिया कवरेज को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, 0.44 जो है कुबोटा के हैं, 0.42 जो है जेडी के हैं, 0.42 भी न्यू हॉलैंड के हैं, लेकिन महिंद्रा के आप यहां देखेंगे तो 0.41 है। यदि हम इस कार्य को एक घंटे तक करते हैं तो यहां पर आपको तेल की खपत देखने को मिलेगी। न्यू हॉलैंड 5 लीटर 34 पॉइंट में इस कार्य को करता है, महिंद्रा 5 लीटर 16 पॉइंट में इस कार्य को करता है और जेडी जो है 4.92 लीटर में इस कार्य को करता है, लेकिन कुबोटा यहाँ पर आप देखेंगे मात्र 4 लीटर 10 पॉइंट में इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है। किसान भाइयों, हमने कल्टीवेटर को 10 मिनट के लिए चलाया, उसके नतीजे आपके सामने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि महिंद्रा ने 150 से 200 आरपीएम ड्रॉप किए, कुबोटा ने 100 से 150, जेडी ने 50 से 100 आरपीएम यहाँ पर ड्रॉप किए, न्यू हॉलैंड ने 100 से 200 आरपीएम ड्रॉप किए। एरिया कवरेज को आप देखेंगे तो कुबोटा ने 0.32, जेडी ने 0.313, न्यू हॉलैंड ने 0.311 और महिंद्रा ने 0.31। और यदि हम इस तेल की खपत की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे कि इस बार जेडी ने जो है ज़्यादा तेल लिया, 940 ml उसने तेल लिया इस कार्य को करने में, न्यू हॉलैंड ने 900 ml, महिंद्रा ने 880 ml और कुबोटा ने यहाँ मात्र 820 ml में इस कार्य को किया। प्रति घंटे एरिया कवरेज को आप देखेंगे 1.90 जो है कुबोटा करता है, 1.88 जेडी, 1.87 न्यू हॉलैंड और 1.86 महिंद्रा। इसके बाद यदि हम इस कार्य को एक घंटे तक करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो तेल लेगा वो जेडी लेगा, 5.64 लीटर में इस कार्य को करेगा, 5.40 लीटर जो है न्यू हॉलैंड लेगा, महिंद्रा 5.28 लीटर और कुबोटा यहाँ मात्र 4.92 लीटर में इस कार्य को बेहतर तरीके से कर देगा। हमारे साथ किसान भाई मौजूद है, तो सर आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है जाहिद, मैं शामपुरा गाँव का रहने वाला हूँ क्या, और मेरे को सर के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और जानकारी वाले और बिल्कुल सही जो रियलिटी जो शो मतलब बताते हैं वो सही जानकारी देते हैं और ज्ञान मिलता है इनसे। आप जो टेस्ट देख रहे थे, ये टेस्ट आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल सही है और इसमें बिल्कुल कोई मतलब अलग से कुछ नहीं है छेड़छाड़, बिल्कुल ओरिजिनलिटी जो है वही बताई गई। मैं यहीं पूरा दिन में यही था, मैंने देखा है कि वास्तविक में था जो सही है। बताइए कि इन सभी ट्रैक्टरों के अंदर से आपका किसको ट्रैक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस लगा, किसने अच्छा काम किया? काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के अंदर है तो इनकी क्या विशेषता आपने खेत में देखी? जी, मैंने को तो ये कुबोटा का सबसे बेस्ट लगा है और मेरे को इसका फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज हमने पूरे दिन किसान भाइयों के सामने जो टेस्ट किया उसका निष्कर्ष यह निकलता है कि कुबोटा का नया ट्रैक्टर MU 5502 ने सभी इम्प्लीमेंट में डीजल की कम खपत करी। तो किसान भाइयों, आप इसका चयन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या वो कारण है या तकनीक है जिसकी वजह से कुबोटा ने तेल की बचत करी। कुबोटा 5502 के अंदर आपको मिलता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ECDIS इंजन, जो कि 2434 सीसी का है। फोर सिलेंडर वाला यह इंजन आपको देता है 55 HP की ताकत। ECDIS का मतलब होता है इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक। इसमें फ्यूल नोजल 90 डिग्री के कोण में लगा हुआ है, जिसके कारण ईंधन का छिड़काव सीधा कंप्रेशन चैम्बर में होता है, जिससे अन्य DI इंजन के मुकाबले कम डीजल लगता है। क्योंकि जो DI इंजन होते हैं उसमें फ्यूल नोजल 60 डिग्री के कोण में होता है। यह और ये जो ECDIS तकनीक है आज की सबसे लेटेस्ट तकनीक है। इससे सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि यह अन्य ट्रैक्टर की तुलना में इसमें 25% तक तेल की बचत सीधे सीधे किसान भाइयों को होती है। कुबोटा के अंदर आपको मिलती है लेटेस्ट 4-valve टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 इनलेट वाल्व और 2 एक्सिट वाल्व होते हैं, जिसमें ज़्यादा हवा अंदर और बाहर की तरफ जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें यूज होने वाला डीजल का पूरी खपत होती है, जिससे 35% तक टॉर्क ट्रैक्टर का बढ़ जाता है। यह बात तो सभी किसान भाई अच्छे से जानते हैं कि कुबोटा जो है बहुत कम कंपन करता है। इसके कंपन कम होने के कारण से इसे चलाने वाला काफ़ी समय तक ट्रैक्टर को चला सकता है। इसका मुख्य कारण है बैलेंसर शाफ्ट। बैलेंसर शाफ्ट लगी होने के कारण इसमें कंपन कम होता है और मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। इसके अंदर आपको सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिलता है, जो कि 12 फॉरवर्ड 4 रिवर्स गियर मिलते हैं। साथ ही सिंक्रोमैक्स गियर प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप किसी भी स्पीड में बड़ी ही आसानी के साथ गियर को बदल सकते हैं। और सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स आज की आधुनिक तकनीक है। इसमें किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होती है, मेंटेनेंस बहुत कम आता है, गियर बॉक्स के अंदर से आवाज़ नहीं आती है और किसान भाई बड़े लंबे समय तक इसका उपयोग कर बिना थके आसानी से ट्रैक्टर को चला सकते हैं। और यहीं पर मेंशन किया गया है 5 साल की सुपर वारंटी। सुपर वारंटी के अंदर अधिकतर इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक आते हैं, लेकिन कुबोटा इसके अंदर फ्रंट एक्सल और बैक एक्सल दोनों ही सुपर वारंटी के अंदर देते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।